नमस्कार दोस्तों, आज आपका मैं और एक वीडियो में स्वागत करता हूँ। आप मेरे पीछे जो टैंक देख सकते हैं, इसे लगभग 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने इसका सेटअप का वीडियो नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन में उसकी लिंक आ रही होंगी, तो आप उसे देख सकते हैं कि मैंने ये किस तरह से सेटअप किया। सेटअप करके वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे खूब जनों ने कमेंट में पूछा था क्या हमें इसका अपडेट देना, कि इसका फिल्टरेशन हो रहा है अच्छी तरीके से क्या नहीं हो रहा है, क्यों, ये अब मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस टैंक का सेटअप करके मुझे 3 महीने हो चुके हैं। मेरे ख्याल से मैंने ये सितंबर में अपलोड किया था। तो इसकी खासियत ये है कि इसमें जो पंप है, वाटर पंप है, वो इन रॉक्स के पीछे मैंने छुपा दिया है। आप जैसे कि देख ही सकते हो, ये उसका यहाँ पे नोजल एक। तो इस वजह से मुझे बहुत जनों ने पूछा था क्या वाटर सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, वाटर क्लीन होगा या नहीं होगा। तो आप ही देख सकते हैं, पानी एकदम क्लीन है, फिश भी हेल्थी और अच्छी है। सैंड थोड़ी सी रेडिश हो गई है और रॉक पे थोड़ी सी अलगी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सब अच्छे तरीके से है। फिल्टर भी अच्छी तरीके से चल रहा है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। 3 महीने में मैंने सिर्फ एक ही बार 30% वाटर चेंज किया है, बाकी मैंने कुछ सेटअप में मैंने पंप कॉर्नर में लगा के उसके आगे पूरा ये रॉक रख दिए थे, जिससे कि मेरा पंप इनविजिबल हो जाए और फिश को भी कुछ नुकसान ना हो। उसके बाद मैंने उस रॉक्स में कुछ आर्टिफिशियल ग्रास के प्लांट्स लगा दिए, या कोने में एक आर्टिफिशियल प्लांट है, नीचे वाइट सैंड है जिसपे मैंने ब्लैक सैंड भी थोड़ी सी मिक्स की है, इससे थोड़ा सा नेचुरल इफेक्ट आता है। यही जानना चाहते थे कि पंप रॉक के पीछे रखने के बाद फिल्टरेशन अच्छी होगी या नहीं। मेरे मुताबिक अच्छी होगी, क्यों, क्योंकि आप देख ही सकते हो मेरा पानी पूरा क्लियर है और फिश भी हेल्दी है। टैंक में फिल्टर के लिए मैंने सोबो का टॉप फिल्टर यूज़ किया हुआ है, जैसे कि आप देख ही सकते हो फिल्टरेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। और यहाँ पे लाइट लगी हुई है एलईडी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।